हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब वेरी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो आई हैव दिस इंग्रेडिएंट्स एज यू कैन सी, अवॉइड दिस हियर, ठीक है? ओके, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक दिस, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ ये गन्नू के आटे से बना हुआ है, ठीक है? ये वी ईट मैदा, सो आई रियली फाइंड कुछ रीजनेबल या विद इन प्राइस मिल जाए तो दैट्स गुड। सो आई विल ट्राई दिस एंड आई विल रिव्यू आफ्टर दैट। सो सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। वी हैव दिस चिकन स्प्रेड, दिस पेरी पेरी सॉस ऑफ शंग्रीला। आई ट्राइड, रीजनेबल मिल रहा था तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, बट पता लग रहा है कुछ सस्ती चीज़ है, तो इसको मिक्स एंड मैच करके सॉस बनाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमारे पास ये शंग्रीला का केचप है, यहाँ पे बंद गोभी है, टमाटर ये है, और येस ऑफ कोर्स द मेन इंग्रेडिएंट, दिस इज चिकन विच आई हैव मैरिनेटेड एंड फ्रीज्ड। लेट मी शो यू, दिस आई एम शोइंग माय एक्सपर्टीज एंड प्लस आई एम टेलिंग यू गाइस यू कैन डू दैट। तो इस तरह से मैंने इसे फ्रीज करके रखा हुआ है, ठीक है? और मैंने इनको सेक्शन में करके रखा हुआ है ताकि जब मुझे बनाना हो इस तरह से मैं निकालूँ और ये डिफ्रॉस्ट हो जाए और वी कैन यूज़ इट। Talk is over, let's just do the processing. ओके, तो जब तक हमने सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं और चिकन इज़ गेटिंग रेडी, तो तब तक मैं आप लोग के लिए सॉस बना देती हूँ। सो यू गाइस कैन यूज इन योर सैंडविचेस। इंग्रेडिएंट वुड बी दिस केचप। तो सॉस के लिए हम ले लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बना ले थोड़ा बना ले, मैं तो अकॉर्डिंगली ले रही हूँ। अगर ज़्यादा बन गया यू गाइस कैन स्टोर दैट टू, ठीक है? लेट्स टेक टू ऑफ देम, टू टेबल स्पून ऑफ ये मैंने चिल्ली लिया। आप दूसरा प्लेन लेकर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग, तो या ये वाला ले सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द मायो, एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर द मायो विद फ्लेवर बट मुझे वो मिला नहीं, तो मुझे अल्टीमेटली चिकन स्प्रेड ही लेना पड़ा। आई एम नॉट वेरी फंड ऑफ दिस फ्लेवर। लेट्स ऐड अ लिटिल मोर, 2 tablespoons of this and 2 tablespoons of ketchup. And of course ये जो हम लेकर आए हैं बहुत महंगा, actually it was very cheap, और इसके सिंपल इसको यूज़ करें तो पता लगता है कोई सस्ती चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, बट मिक्स एंड मैच करके टेस्ट नाइस, ठीक है? दिस मच सा सोया सॉस, ज़रा सा सोया सॉस एंड दिस हनी, यस वी विल एड a little of honey, that is it, mix इतना ज़्यादा स्पाइसी वैसे है नहीं है और मुझे इतना स्पाइसी चाहिए भी नहीं था, बट मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, ज़रा सी, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे चिकन इज रेडी, इट्स शिमला मिर्च को थोड़ा सा सौते करूंगी,
तो बेसिकली इट लुक्स लाइक अ रोटी, आप इसको आटे से भी बना सकते हैं, आटा मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं। और वो लोग जो कहते हैं एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारे यहाँ मिलता नहीं है, सो उन लोगों के लिए आई हैव अ वीडियो जो कि मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी, ऊपर आपको लिंक में मैं अटैच करके दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, यू गाइज कैन चेक दैट वीडियो आउट और आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई, जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव यू नो, सो यू गाइज कैन ईजिली डू दैट। सो यूज़ दैट तरीका, इसको इस्तेमाल करें और मुझे शुक्रिया अदा करें लेटर बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। इसके बाद हम ये ऐड करेंगे सलाद पत्ता और इसके ऊपर मैं चिकन डालूंगी लाइक सो, ठीक है। एज मच एज यू वांट, ओके। मेरा दिल कर रहा है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने को, तो मैं ये पेरी पेरी यू ऐड कर दूंगी। सम टोमेटोज, कैबेज और सम क्रंच, एंड ऑफ कोर्स हमारा शिमला। इट सीम्स रेडी, थोड़ा सा ऊपर और सॉस डाल लेते हैं, सॉस से ही जो है मज़ा आता है। ओके, वन इज रेडी और इस तरह से ही मैं सेकेंड वाला रेडी करूँगी एंड आई विल शो यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। वेरी ओवरलोडेड, वन इज डन, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द सेकेंड वन। सो आफ्टर मेकिंग इट यू कैन टोस्ट इट अ लिटल ऑन द पैन, मक्खन लगाए विदाउट मक्खन लगाए तो ज़रा गरम गरम सर्व होगा, अगर आपने गरम गरम ही बनाए तो आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। सो बेसिकली एक मैंने रोल बनाया, एक मैंने टैकोस की तरह सर्व किया, जस्ट टू गिव इट अ लिटल डिफरेंट प्रेजेंटेशन कि आप लोग को पता हो रोल भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बट एनी हाउ दिस द फाइनल लुक ऑफ द रैप्स। आई होप यू गाइज लाइक इट, इफ लाइक इट डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।